नमस्कार, बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। बिहार में उपचुनाव को लेकर जो राजनीतिक गर्माहट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं, बात कर लेते हैं अगर एनडीए की या फिर जदयू राजद हो या फिर कांग्रेस हो, जन अधिकार पार्टी, तमाम पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि लालू प्रसाद यादव अब बिहार आ सकते हैं चुनाव में प्रचार करने के लिए, उपचुनाव में राजद का प्रचार करने के लिए। तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया था जिसमें कांग्रेस ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव आ जाए या फिर कोई आ जाए, राजद जीतने वाली नहीं है, जीत कांग्रेस की ही होगी। ऐसे में राजद के नेता श्याम रजक काफ़ी भड़क गए और उन्होंने कांग्रेस को खरी खोटी सुना दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार सुनिए। देखिए, मुझे कांग्रेस पर कुछ नहीं कहना है। हमारा गठबंधन है और गठबंधन कोई चुनावी गठबंधन नहीं होता। हमने पहले ही कहा था कि हमारी ताकत वहाँ है। श्री तेजस्वी यादव जी का लोगों में आस्था व्यक्त हुआ है और आज जो कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर हो या पूरा बिहार हो, 12,000 ही वोट ना ज़्यादा आया था एनडीए को, ये तेजस्वी यादव जी का ही कमाल था। और तेजस्वी यादव जी ने पूरा महागठबंधन ने अपना समर्थन दिया था, आस्था व्यक्त किया था। उस समय कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे, आज वो लंबी लंबी बात कर रहे हैं। उन पर कोई टिकट नहीं करता हूँ, क्योंकि जो दुखी हैं, जो सही चीज़ों से अपने को एहसास नहीं कर रहे हैं, उनको इस तरह की भाषा पर मुझे दया आती है, तरस आती है। मुझे उनके दुख से कोई हमको व्यंग नहीं करना है, उन पर तरस आती है। लेकिन समय आएगा, कोई खामियाजा नहीं। हमारा उम्मीदवार जो है जमीनी उम्मीदवार है, कोई आकाश से लाया उम्मीदवार नहीं है। हमारा जो उम्मीदवार है वहाँ वो मुसर समाज से है और सिर्फ समाज से ही नहीं है, वो लोगों के बीच में लगातार काम करते रहा, लगातार लोगों के बीच रहा है। गणेश भारती अपने आप में वहाँ जा कर के आप आकलन कीजिएगा, सर्वे कीजिएगा, तो पता चलेगा कि जमीनी कार्यकर्ता है। अरुण शाह हमारा तारापुर का, वो भी जमीनी है, असरगंज का रहने वाला है, लेकिन वो लोगों के बीच काम करते रहा। समय आएगा 30 तारीख के बाद, 30 तारीख को जनता तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में राष्ट्रीय जनता दल को भरपूर मतों से जिताएगी। 2 तारीख को जब घोषणा होगा उसमें आप देखेंगे। तो आपने राजद के नेता श्याम रजक को सुना, जो साफ तौर पे कहते दिख रहे हैं कि राजद ही चुनाव जीतेगी। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस को तमाम बातें कही है, खूब खड़ी खोटी सुनाया है। आपको बता दें कि खबर ये आ रही है कि लालू प्रसाद यादव आ सकते हैं उपचुनाव से पहले और राजद का वो प्रचार प्रसार करेंगे। तो कहीं ना कहीं उपचुनाव से पहले जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। सभी पार्टियों ने अपनी एरी से लेकर चोटी तक का दम लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब राजद, कांग्रेस, एनडीए की तरफ से जदयू, भाजपा, सभी पार्टी में जो है, सभी पार्टियाँ जो है वो मैदान में। अब देखना है कि उपचुनाव में, आने वाले उपचुनाव में जो 2 सीटों पर चुनाव होने, उस पर जीत किसकी होती है। हम आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।